Everybody, welcome and thank you for joining me. मुझे पता है कि काफी एंशियसनेस है और काफी कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी वी आर फेसिंग इट. एनीबडी हु इज इवन 1% इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री विद द स्टेट ऑफ अफेयर्स कैसा है, एंड दे आर यू नो कनेक्टेड विद अर्नब एंड ऑल द जस्टिस फाइट, द फाइट ऑफ धर्मा. तो काफी कंफ्यूजन है. आप एक रेस्टलेस एनर्जी, आई कैन फील इट इन द एयर, आप भी फील कर रहे होंगे. ये गाइडेंस मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ. आई वॉज फीलिंग गाइडेड फ्रॉम द मॉर्निंग टू डू दिस टाइमलेस पिक अ कार्ड रीडिंग टू जो You know, there is a fear in the air and we are losing ourselves in the scattered energy. This timeless pick a card reading is to help you find your own inner magic that you are losing the sight of and be directed back to your inner guidance from where you will get the strength, from where we actually get the strength. ठीक है, तो यहाँ से आपको आई एम इंटेंडिंग दैट यू विल बी एबल टू सी द मैजिक विद इन दैट यू आर दैट वी आर नॉट एबल टू सी इन दिस एंक्शियसनेस, in this confusion, in this uncertainty, and it will guide us and it will show us the light and it will help us stay positive and it will help us realize our inner power. ठीक है, तो ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस है. सो कभी भी इफ यू आर फीलिंग कंफ्यूज इन योर लाइफ एट द क्रॉस रोड्स, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देन द डिवाइन गाइडेंस हियर, द टाइम दिस इज अ टाइमलेस बट दिस इज जनरल. I hope that this guides you and shows you the way, takes you to your inner power. So, option one, two, and three, you can close your eyes and meditate and choose the deck that you feel is calling to you. Okay, and shuru mein you might find it is difficult, but as more and more you continue to do, you are working on your relationship with the universe, and universe will make it easy for you to guide you to your deck where it has hidden your answers. Okay, all right, I'll get started with option one and I'll push these deck and let's see yahan se kya guidance aa raha hai hamare liye, kya inner magic aap nahi dekh rahe ho jo bhi option one choose kiye hain. Wings, you never needed those wings to fly, you never needed those wings to fly. तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि आप जिन लोगों ने भी ऑप्शन वन चूज किया है, ऑल द पीपल हु हैव चोजन ऑप्शन वन, आई फील दैट यू नो एक इस तरह की एनर्जी है कि इट्स मोर लाइक कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, व्हाई एम आई नॉट एबल टू डू दिस. इट्स लाइक यू आर फोकसिंग ऑन द लैक, you're focusing on the fact that you are not capable enough to do something. It could be related to justice, it could be related to raising your voice against injustice, it could be you are feeling that you don't have the resources, you don't have the power, you don't have the strength, or whatever. There is something that you are missing to do something. ओके, हो सकता है कि अर्नब के केस में भी रिलेटेड हो सकता है, जो आप वॉइस रेज करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू यू नो यू आर फीलिंग द फायर विद इन, यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, दिस ब्लैटेंट इनजस्टिस जो हो रहा है, बट आपको लगता है कि यू आर नॉट एनीथिंग, यू आर अ कॉमन मैन, आप कुछ नहीं कर सकते हो. या फिर आपके ड्रीम से रिलेटेड हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मेरे में वो बात नहीं है, आई डोंट हैव इट इन मी टू डू दैट, आई डोंट हैव द टाइम, आई डोंट हैव द मनी, आई डोंट हैव द रिसोर्सेज टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू. तो आप बिल्कुल एक फोकस कर रहे हो एक एक्सटर्नल पावर पे, जैसे कि आप बोल सकते हो कि एक एक्सटर्नल पावर पे आप फोकस कर रहे हैं कि वो चीज नहीं है इसीलिए मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ, राइट? दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग है यहाँ पे. बट यहाँ पे आपको गाइडेंस ये आ रहा है, यू नेवर नीड दोज विंग्स टू फ्लाई, यू नो यू डोंट हैव टू बी अ पावरफुल पर्सन टू मेक अ डिफरेंस, यू डोंट नीड दैट. एज इन कि आपको बाहर से ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो कि आप आपको पावरफुल बनाएगा और तभी आप कुछ काम कर सकते हो. आपको जो भी चीज चाहिए हो, चाहिए टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, यू हैव इट इन यू राइट नाउ, यू हैव इट विद इन यू. चाहे तो हो सकता है वो अर्नब के लिए आवाज उठाना हो सकता है, तो वो भी आप कर सकते हो. यू आर पावरफुल इनफ टू रेज योर वॉइस,
अगर आप कुछ अपनी ड्रीम पूरा करना चाहते हो, अपना पैशन पूरा करना चाहते हो और आपको लगता है कि टाइम नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो आप जानिए कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि यू हैव द पावर, यू हैव द रिसोर्सेज विद इन यू एंड यू कैन मेक अ वे आउट ऑफ इट. यू आर पावरफुल द वे यू आर राइट नाउ. यानी कि आप अपने कैपेसिटी में जो भी है आप कर सकते हैं, ठीक है? चाहे तो आप अपना ड्रीम पाना हो, चाहे कुछ भी पाना हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, यू हैव द पावर टू डू इट. लव एंड एक्सेप्टेंस. लव योर सेल्फ, रिकोगनाइज योर डिवाइन वर्थ, चूजिंग लविंग थॉट्स. एब्सोल्युटली. यहाँ पे डिप्रेशन का भी कार्ड आया है, तो अब एक जैसा मैंने बोला कि एक अनसर्टेनिटी एयर में है, एक इनजस्टिस को हम ज्यादा फील कर रहे हैं, फियर भी है शायद, बट यू हैव टू क्रश दिस फियर, यू हैव टू क्रश दिस फीलिंग ऑफ लैक दैट आई एम नॉट केपेबल टू डू समथिंग, आई कैन नॉट डू समथिंग. सॉरी, यू हैव टू चेंज द थॉट प्रोसेस एंड यू हैव टू क्वेल द फियर. फियर को जाने दीजिए और स्ट्रेंथ पे फोकस करिए, अपने इनर स्ट्रेंथ पे फोकस करिए, क्योंकि यू आर पावरफुल एट एनी पॉइंट इन टाइम टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वेदर वेदर इट इज यू नो गोइंग फॉर गोइंग चेजिंग योर ड्रीम्स और वेदर इट इज फाइटिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस और जो भी है, क्योंकि हर एक जो भी जैसा है पावरफुल है. आप जो भी हो, जैसे भी हो, जहां पे भी हो, आप स्ट्रांग हो और पावरफुल हो, आप वर्दी हो. एंड देयर फोर यहाँ पे आपका गाइडेंस भी आया है कि आप अपने वर्थ पे बिलीव करिए, यू बिलीव इन योर वर्थ. एंड देयर फोर यहाँ पे डिप्रेशन में क्या है कि आप बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो. यू आर थिंकिंग, एज जैसा मैंने बोला, कि यू आर फोकसिंग ऑन द लैक एंड नॉट ऑन द पॉसिबिलिटीज. यू आर फोकसिंग ऑन द फियर एंड नॉट ऑन फेथ. यू आर फोकसिंग ऑन द इनजस्टिस एंड नॉट द जस्टिस. यू आर फोकसिंग ऑन द अधर्म एंड नॉट द धर्म. तो यहाँ पे अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा चेंज करिए, पॉजिटिविटी लाइए, इनर गो विद इन एंड लुक आउट फॉर स्ट्रेंथ विद इन. बिकॉज यहाँ पे आपका गाइडेंस है कि आपको कोई एक्सटर्नल चीज नहीं चाहिए. यू नो यू डोंट हैव टू बी अ वेरी बिग जर्नलिस्ट टू फॉर पीपल टू लिसन टू यू. यू कैन क्रिएट योर ओन डिफरेंस वेयर एवर यू आर, हु सो एवर यू आर. ओके, यही आपका गाइडेंस है. यू डोंट नीड दैट एक्सटर्नल विंग्स टू फ्लाई, यू कैन फ्लाई फ्रॉम वेयर एवर यू आर. यही गाइडेंस है आपका. इसीलिए ट्रस्ट फेथ, ट्रस्ट जस्टिस, हैव फेथ. ओके, एंड गेट आउट ऑफ योर थॉट्स एंड बिलीव इन योर सेल्फ वर्थ एंड बिलीव दैट यू कैन क्रिएट द डिफरेंस, बिलीव दैट यू कैन गेट वॉट एवर यू वॉन्ट. ये आपका गाइडेंस है. लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन टू. बर्थ है यहाँ पे. और क्या गाइडेंस आप मैजिक मिस कर रहे हो अपने लाइफ में? मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू. देयर इज समथिंग लाइक यू नो यू आर काइंड ऑफ विद इन अ शैडो एंड द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू टू स्टेप इनटू द लाइट. ऐसा मुझे फील हुआ. धर्मा अनफोल्डिंग बिकॉज द वर्ल्ड अवेट्स यू. काफी एक लिंक हो रहा है यहाँ पे. वर्ल्ड का डेफिनेटली द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर धर्म टू अनफोल्ड, स्पेशली हियर इन इंडिया, जहाँ जैसे हम देख रहे हैं एक एनार्की बढ़ गया है, एक इनजस्टिस ने अपना सारा लेवल क्रॉस कर लिया है. तो हम डेफिनेटली इन इंडिया वी आर वेटिंग फॉर धर्मा टू अनफोल्ड. रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस. और यहाँ पे भी एक देखिए बर्थ का कार्ड आया है, विच इज वेरी मैजिकल. यहाँ पे मॉर्निंग है, यहाँ पे बर्थ है और यहाँ पे धर्म है. तो ऐसा लगता है कि धर्म का अनफोल्डिंग अब बस आने ही वाला है. यू नो इट इज वी आर वेरी क्लोज टू द डॉन, वी आर वेरी क्लोज टू द कॉस्मिक गेटवेज ओपनिंग, वी आर वेरी क्लोज टू द डिवाइन इंटरवेंशन, वी आर वेरी क्लोज टू धर्म मेकिंग इट्स वे एंड वी आर वेरी क्लोज टू अधर्म, द एंड ऑफ अधर्म. यहाँ पे भी देखिए सूरज निकल रहा है, मॉर्निंग है. इट्स समथिंग लाइक यू नो कि डॉल्फिन है, गुड टाइम्स आने वाला है, ऐसा फील होता है. और देर इज समथिंग दैट द वर्ल्ड इज वेटिंग विथ बेटेड ब्रेथ,
लाइक वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर समथिंग, धर्म के लिए इंतजार हो रहा है. इट्स लाइक यू नो द डार्क, द नाइट हैज बिकम वेरी डार्क एंड इट इज जस्ट द टाइम बिफोर द डार्कनेस, बिफोर द डॉन, वेयर दैट लाइट यू नो ब्रेक्स थ्रू द डार्क स्काई एंड टेल्स अस दैट यस द सन इज कमिंग आउट, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. द मॉर्निंग द वर्ल्ड अवेट्स, द वर्ल्ड इज वेटिंग, इंडिया इज वेटिंग फॉर धर्मा. और यहाँ पे एक बर्थ हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो तो देर इज अ न्यू लाइफ दैट इज कमिंग आउट विच इज ब्यूटिफुल. दिस इज अ फ्लावर दैट इज कमिंग आउट, देर इज सनलाइट एवरीवेयर, देर इज अ ब्राइटनेस. और ये यहाँ से जो यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है ना, वी आर एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रगल. ये स्ट्रगल जो अंडरग्राउंड में हो रहा है, अब उससे बाहर निकलने वाले हैं. और एक ब्यूटिफुल मॉर्निंग इज वेटिंग फॉर अस, अ ब्राइट सनलाइट इज वेटिंग फॉर अस. तो आई गेट अ फीलिंग कि यस, जो भी हो रहा है, मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम इन योर लाइफ एंड बट द साइकिल इज गोइंग टू कम टू एन एंड. यू आर टूवर्ड्स द एंड ऑफ अ साइकिल. You are going to come out of this rut, this cycle where things were not working probably, and you are about to enter into a new phase. A new cycle is about to start in your life, maybe in your relationship, maybe in your career, maybe in your life on the whole in general, but a new birth is there on the corner. It could be related to pregnancy for somebody. It could be a starting of something new. It could be a starting of a new phase where there is justice, where dharma is takes over. तो एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है जहाँ पे काफी एक पॉजिटिविटी है, एक ब्राइटनेस है, एक होप है, एक फेथ है, एक गुड टाइम्स है, एक जस्टिस है यहाँ पे. तो वो फेज स्टार्ट होने वाला है. इट्स जस्ट डार्क बिफोर द डॉन. एक साइकिल खत्म होने वाला है डेफिनेटली, जो कि सर्व नहीं कर रहा है. एंड द वर्ल्ड इज अवेटिंग यू फॉर योर मैजिक. सो बी फेथफुल, बी फे शो फेथ, हैव ट्रस्ट एंड कीप ऑन गोइंग इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर. इट्स टाइम टू यू नो वेक अप, इट्स टाइम टू वेक अप गाइस, इट्स टाइम टू वेक अप. एंड Yes, dharma is coming, but it is also time to wake up from your sleep and fight for dharma, because then only dharma can come. It's time to take action also. But there is a positivity, there is a bright future that is promised here in this card. So that is what I'm getting from here. Good times are ahead. Fair times are ahead. All right, let's move to option three and see what is awaiting you people. What is the magic that you're not able to see? Voyage, you already have all the answers. यहाँ पे सेवन है. सेवन नंबर इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, डीप रिसर्च वर्क. एंड आई थिंक यहाँ पे भी आप कुछ खोजने का कोशिश कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग हियर. Trying to dig in something, some research work, you are trying to find answers to things. Jiska answers aapko khud se pata hai. You know the answer within. You have to go within to get your answers. You know the answers. Probably you are not able to see the answers in this confusion, in this uncertainty. But if you take a break from getting carried away in the scattered energy, in this confusion, in this cloud. If you take a minute to separate yourself from this confusion, go within, be silent, just observe, be present in the present, you will be able to. And if you are able to look within, you will find your answers within. बिकॉज यू नो द आंसर्स, आंसर्स आपको पता है. यू नो द आंसर्स, जो भी चीज़ है आप जानते हो. वॉइस ऑफ ट्रूथ, जोन ऑफ आर्क. स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ पर्सिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ. तो काफ़ी लोग यहाँ पे देखिए, जो अनसर्टेनिटी हमें फील हो रहा है इंडिया में अभी, वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि एक रेज है लोगों में
ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो कितना कुछ बोलना चाह रहे हैं पर शायद वो फील करते हैं कि दे डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। मे बी दे वॉन्ट टू कम आउट इन ऑन रोड एंड दे स्क्रीम अगेंस्ट द इनजस्टिस इज हैपनिंग, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको पता है, वेरी ऑब्वियसली उनको पता है बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि यू नो हाउ कैन दिस हैपन, दिस इज सो ब्लैटेंट, ऐसा कैसे हो सकता है। दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग है, एक स्टिफल्ड फीलिंग है ना, जब किसी की आवाज़ को दबाया जाता है, किसी के राइट्स को दबाया जाता है, तो एक अंदर में एक यू हैव दिस घुटन काइंड ऑफ अ फीलिंग। तो वहाँ पे ये चीज़ है, जब आपको पता है कि ये गलत है, तो हम यू हाउ कम यू कांट एक्सप्रेस योर सेल्फ, हाउ कम यू कांट आस्क फॉर थिंग्स दैट इज राइट, आस्क फॉर जस्टिस दैट इज राइट। तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज हियर यहाँ पे। सबको आंसर्स पता है बट ऐसा लगता है कि हमको सच्चाई पता है, आंसर्स पता है, ट्रुथ पता है, तभी भी हम क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तभी भी हम क्यों नहीं मांग पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। वर्किंग थ्रू द मेंटल पेन, एब्सोल्युटली, बहुत दिमाग में है हम लोग जो भी हैं, ये वाला डेक जिन्होंने भी ये वाला पाइल यूज किया है, काफी मेंटल स्ट्रेस से जा रहे हैं, मेंटल पेन से जा रहे हैं, मेंटल एगनी से जा रहे हैं। क्योंकि क्या है कि जब आपको आंसर्स पता होता है तो देन यू आर लाइक Why, 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 why is this happening? This is not right. I mean, this is just not right. That kind of a feeling, you know, जब confusion होता है तो फिर भी you can wait for an answer. But you know that when something is really wrong, you don't want to wait for an answer. तो ये वाले group, ये वाला pile जिन्होंने भी choose किया है, काफी agitated है। जो भी चीज़ वो आसपास में देख रहे हैं या फिर general में भी अपने life में हैं, वो उनको लग रहा है कि नाइंसाफी हो रहा है, injustice हो रहा है, और वो बिल्कुल रिवोल्ट करना चाहते हैं। बिकॉज जोन ऑफ आर्क वॉज अ फाइटर, इफ यू नो, शी वॉज अ फाइटर फॉर ट्रूथ, शी यूज टू फाइट, शी वॉज अ वॉरियर, शी वॉज नॉट समबडी हु, शी वॉज नॉट अ मंक, शी वॉज अ वॉरियर एंड शी वुड फाइट फॉर द राइट थिंग्स। तो आप काफी एजिटेटेड हो, आई बिकॉज क्वाइट पॉसिबली अर्नव के केस में आप बहुत ही एजिटेशन फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यू वॉन्ट टू गो आउट एंड फाइट फॉर अर्नव, या फिर ऑन द जनरल ऑल्सो हो सकता है कि आपके लाइफ में इनजस्टिस फील कर रहा हो रहा होगा आपको, या फिर एंड यू जस्ट वॉन्ट टू गो आउट एंड फाइट फॉर योर सेल्फ, फाइट फॉर द राइट, यू आर नॉट इन योर माइंड। बट यहाँ पे आप काफी कंफ्यूज हो, और यहाँ पे आपका गाइडेंस आया है कि आप जो भी कंफ्यूजन है, आपको उसका आंसर पता है, गो इनसाइड टू गेट योर आंसर्स, बिकॉज यू नो योर आंसर, यू वॉन्ट टू स्टैंड इन योर ट्रूथ, यू वॉन्ट टू स्टैंड फॉर द ट्रूथ, एंड यू आर फीलिंग बिट्रेड दैट पीपल आर नॉट स्टैंडिंग फॉर द ट्रूथ, और द ट्रूथ इज बींग स्क्वॉश्ड लाइक दिस, द ट्रूथ इज बींग ट्रैम्पल्ड लाइक दिस टूडे, एंड दैट इज मेकिंग यू फील, दैट इज इन्फ्लिक्टिंग दिस मेंटल पेन इन यू, यू आर फीलिंग स्कैटर्ड एनर्जी, यू आर इन टू द माइंड, वेरी डिप्रेस्ड, वेरी एजिटेटेड, एग्रेसिव, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट यू कैन स्टैंड इन योर ट्रूथ, वॉइस योर ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ पर्सिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ इज योर गाइडेंस। ओके, अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि यू शुड, इवन इन जनरल देयर इज समथिंग दैट यू फील दैट यू आर बीइंग यू नो स्क्वॉश्ड, आपको दबाया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका गाइडेंस यही है कि स्पीक योर ट्रूथ, स्पीक योर ट्रूथ, एंड डोंट बिलीव इन फियर, बिलीव इन योर पर्पस एंड रिलीज द फियर एंड स्टे स्ट्रांग, बिकॉज इफ यू फोकस ऑन फेथ, फेथ ग्रोज, इफ यू फोकस ऑन फियर, फियर ग्रोज, सो बिलीव इन योर ट्रूथ एंड स्टैंड फॉर वॉट यू बिलीव इन। So this is the guidance for all the people who have chosen the deck number three. Do let me know, guys, if this reading helps you have faith in the justice, and let's keep praying for Arnab. Thank you so much for watching. God bless, and let's pray for Arnab.